कितना टाइम लगाती है तैयार होने में अच्छा तुम लोग कहीं जा रहे हो? जी आंटी। वो एक्चुअली एक नया डिजाइनर स्टोर खुला है, तो बस विजिट करने जा रहे हैं। लेकिन तुम दोनों ने खाना मेरे साथ खाना। बेटा एक बात पूछूं, माइंड तो नहीं करोगी? अच्छा है तो बहुत पर्सनल, कि तुम ये समझना कि ये तुमसे रूबी पूछ रही है। बेटा क्या आप मुझसे जो चाहे पूछ सकती हैं? तुम्हारी आंखों में इतनी उदासी क्यों नजर आती है मुझे? तुम्हारी शादी कुछ चंद ही महीने हुए, लेकिन तुम्हारा इतना उदास रहना, तुम खुश तो हो ना? मैं बहुत खुश हूँ आंटी। खुशी का इजहार ऐसे करते हैं? जुबैर भाई और फारिस तुम्हारा ख्याल तो रखते हैं ना? फारिस तो बहुत खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन मामू का एटीट्यूड काफी चेंज हो गया है। ऐसे जैसे उन्हें याद ही ना हो कि मैं उनकी लाडली बहन की लाडली बेटी हूँ। क्या वजह है इस तब्दीली की? वो मुझे बहू बना के खुश नहीं है। छोड़े आंटी, जो बातें तकलीफ देती हैं उन्हें ना ही डिस्कस किया जाए तो अच्छा। लेकिन ऐसी बातों को नजरअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता ना बेटा, क्योंकि ये बातें और इनकी तकलीफ हमारे साथ ही रहती है। जुबैर भाई को इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि तुम रूबी की बेटी हो जो अपने भाई पे जान छिड़कती थी। आंटी वो एक्चुअली वो पछता रहे हैं फारिस की मुझसे शादी करा के, क्योंकि फारिस मुझसे शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन मामू ने जबरदस्ती की थी, तो अब वो आपको कसूरवार ठहराते हैं। तुम परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैं देख के आई कहाँ रहती।